नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्मार्ट सपोर्ट रजत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपने एयरटेल टीवी की मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करें। यदि आप ऑलरेडी कर चुके हो और आप चाहते हो अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और एक एक स्टेप करके आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका मोबाइल नंबर सही से रजिस्टर हो पाए। बेसिकली हम किसी भी मोबाइल नंबर को एक्सचेंज करना चाहते हैं या पुराने नंबर को हटा के आप नए नंबर डालना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ऐसे में OTP की ज़रूरत होती है। चाहे बात करें आधार कार्ड की हो या पैन कार्ड की हो, किसी भी नंबर को आप रजिस्टर मोबाइल नंबर को आप चेंज करना चाहते हो और अपना नया नंबर डालना चाहते हो तो ऐसे में OTP की ज़रूरत होती है। बट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना OTP से आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है और उसी नंबर फिलहाल में आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से कुछ स्टेप करके आप नए नंबर उसी एयरटेल टीवी पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन होगा जो कि एयरटेल टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें ओपन होने के बाद आपको उसमें फाइंड आउट करना है अकाउंट आईडी या फिर आप कह सकते हो कस्टमर आईडी, उसमें फाइंड आउट करना है और आपके कस्टमर आईडी उसमें डाल देना है। बेसिकली कस्टमर आईडी एयरटेल टीवी में मिल जाती है। कैसे मिलेगी? तो आपको सबसे पहले अपने रिमोट में माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के लिए आपको मेनू के ऑप्शन में क्लिक करना है। नीचे आपको दो नंबर पर माई अकाउंट की ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर आईडी आपको पूरी तरह से शो करने लगेगा और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर भी आपको शो करने लगेगा, जिसमें से आपको अगर कस्टमर आईडी को लेके इस वेबसाइट में आपको भर देना है। भरने के बाद और एक पेज होगा और कुछ इस तरह इंटरफेस देखने लगेगा जिसमें आपका कस्टमर आईडी है और नीचे सेक्शन में देखें तो चेंज योर मोबाइल नंबर पर आपको टिक कर लेना है। नीचे आपका जो चेंज मोबाइल नंबर यानी कि आपका जो नंबर डालना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, उसी नंबर पर आपको डाल देना है। उसके बाद रिकॉन्फर्म मोबाइल नंबर पर भी आप उसी नंबर को ही डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, लेकिन उसमें आपको बेसिकली तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन होगा पिन कोड, आपके पिन कोड जो भी है वो पिन कोड डाल देना है। दूसरी सवाल आपको पूछा जाएगा उसमें कि कितना रिचार्ज किया था, लास्ट टाइम आप अपने एयरटेल टीवी में कितना रिचार्ज किया था वो आपको भर देना है। आप जितने भी रिचार्ज किए थे आप उसको भर देना है। इसके बाद तीसरा जो सवाल आपको पूछा जाएगा कौन सी मंथ में आपने रिचार्ज की थी, लास्ट रिचार्ज वो मंथ और कौन से ईयर में आप किए थे वो ईयर और मंथ को आपको भर देना है। इसके बाद सिंपली आपको चेंज नंबर की एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होने के बाद थैंक यू योर मोबाइल नंबर इज अपडेटेड ऐसा करके आपको मैसेज आने लगेगा। उसके बाद जो भी रजिस्टर किए हैं, जो नंबर आपने डाले हैं, उसी नंबर पर भी आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कस्टमर आईडी और आपका मोबाइल के नंबर। इसके अलावा उसमें बताया जाता है कि 24 आवर्स के अंदर आपके मोबाइल नंबर कन्फर्मली आपके एयरटेल टीवी में रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये 2-3 आवर्स के अंदर आपका मोबाइल कंफर्म रजिस्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रोसेस आप करके अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं बिना OTP से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलती है अगले वीडियो और नए नए वीडियो आपके साथ लाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसकी नॉलेज मिल पाए। और फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे मज़ेदार वीडियो डेली देखने के लिए हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट सपोर्ट रजत पर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और हमारे वीडियो का मजा आप ले पाएं। तो फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। गुड बाय।